वायनाड में मिली जीत के बाद आज पहली बार राहुल गांधी ने केरल का दौरा किया। बीते दिन राहुल गांधी रायबरेली गए थे और आज केरल। राहुल गांधी ने रोड शो भी किया और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला भी किया। खत्म चुनाव अगर मगर वाला दांव। अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। एक्शन में सरकार, विपक्ष चकराए बार बार। सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। सियासत भारी, वार पर पलटवार जारी। कांग्रेस पार्टी के नेता शपथ तो लेते हैं संविधान की, विदेश में जाके संविधान के ऊपर में प्रश्न उठाते हैं। सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। चुनाव बीत गए, नतीजे भी आउट हो गए, लेकिन सियासत में अगर मगर चलती रहती है। कांग्रेस को कुछ सीटों का इजाफा हुआ और पार्टी के नेता भूतकाल में बयान देने लगे। ऐसा होता तो वैसा होता और वैसा होता तो वैसा हो जाता। श्री राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा, अगर श्रीमती प्रियंका गांधी जी वाराणसी से चुनाव लड़ती तो नरेंद्र मोदी जी कम से कम 3 लाख वोटों से चुनाव हारते, क्योंकि जनता का मन वहां पर प्रतिपक्ष को, लोकतंत्र को, इंडिया गठबंधन को और संविधान को बचाने के लिए इंडिया ब्लॉक को जिताने का था। इतनी ही श्योरिटी थी, इतनी ही खातरी थी कि वो सब जगह जीतने वाले थे, तो उनको अपनी बहन को रोकने का औचित्य बताना चाहिए कि उन्होंने अपनी बहन को चुनाव लड़ने नहीं दिया। देखिए, चुनाव में कुछ नतीजे आने के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अब 99 सीटें पाकर, मतलब अपना थर्ड लोएस्ट परफॉर्मेंस पाकर, तीसरी बार 100 का आंकड़ा न क्रॉस करने पर भी जिस प्रकार से अहंकार और घमंड में इतरा रही है, ये इसी के लक्षण है। दरअसल मंगलवार को राहुल गांधी बहन प्रियंका के साथ रायबरेली की जनता को जीत का शुक्रिया कहने पहुंचे थे। अमेठी की जनता से भी कहना चाहता हूं, मैं रायबरेली का सांसद हूं, मगर जो मैंने आपसे कहा था, जो भी रायबरेली में होगा वो अमेठी में भी होगा। तो आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने हिंदुस्तान की राजनीति बदल दी, आपने प्रधानमंत्री को ऐसे करवा दिया। कुछ घंटे बाद राहुल वायनाड भी पहुंचे, लेकिन यहां भी नहीं बताया कि वो कौन सी सीट छोड़ेंगे और कौन सी रखेंगे। The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Rayburi? Fortunately, unfortunately, like the prime minister, I am not guided by God. What I will commit to you is that both Wayanad and Amethi and Rayburi will be happy with my decision. इस बीच यूपी में इंडिया गठबंधन के अच्छे प्रदर्शन के बाद कांग्रेस गदगद है। पार्टी ने तय कर लिया है कि 2027 विधानसभा चुनाव भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी। लगातार लोकसभा के चुनाव में जनता ने पसंद किया और ये निश्चित तौर से आगे भी मजबूती के साथ ये अलायंस खड़ा रहेगा, मजबूत रहेगा। कांग्रेस पार्टी के नेता शपथ तो लेते हैं संविधान की, विदेश में जाके संविधान के ऊपर में प्रश्न उठाते हैं और कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। कैसा खतरा देश में है भाई? इसी लोकतंत्र में कांग्रेस के और कई अन्य दलों के लोगों को वोट मिले, कहां ईवीएम खराब है, उसी ईवीएम में तो उनको भी वोट मिले। तो ये सिर्फ एक परिवार केंद्रित पार्टी में हो सकता है कि वहां के नेता अपने वरिष्ठ नेता को श्रेय देने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। और निश्चय रखूंगा, पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बन चुकी है। तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने कामकाज शुरू कर दिया है।
लेकिन विपक्ष है कि अब भी लोकसभा चुनाव के नतीजों का हिसाब किताब करने में जुटा है। हम लोग देख रहे थे, अगर प्रधानमंत्री एक या दो राउंड के बाद 6223 वोट से पीछे थे तो ये अपने आप में संकेत है ना, जनता को अहंकार पसंद नहीं आता। खैर आप चुनाव जीते, राहुल जी की बात अपनी जगह, जाहिर है कि नतीजे कुछ और भी हो सकते थे। इस देश में नरेंद्र मोदी जी को 292 सीट दिया है, राहुल गांधी जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस देश में पंडित नेहरू के बाद जितनी भी कांग्रेस की सरकारें बनी वो सिंपैथी पे सरकार बनी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तब उनके पिताजी को थंपिंग मेजोरिटी आया। 1991 जब उनकी पिताजी की हत्या हुई तब सिंपैथी के आधार पर उनको वोट दिए गए। दरअसल विपक्ष ने नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पर नजरें टिका रखी हैं। उन्हें उम्मीद है कि बिल्ली के भाग्य से चीका फूटेगा और सरकार बनाने का मौका भी मिलेगा। आज तक ब्यूरो। वैसे लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही राहुल गांधी फुल एक्शन में है। एक्शन की वजह चुनाव में राहुल गांधी का प्रदर्शन है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने 2024 में 99 सीटें जीती जबकि 2014 में कांग्रेस के पास 42 सीटें थी, यानी कि कांग्रेस को 47 सीटों का फायदा हुआ है। वहीं रायबरेली में राहुल गांधी 3,90,030 वोट से जीते। वायनाड के चुनाव में 3,64,022 वोट से जीते जबकि 2019 में अमेठी में 55,120 वोट से हार गए थे। मतलब राहुल दो सीटों से लड़े और दोनों सीटों पर जीत दर्ज की। अब राहुल गांधी को एक सीट छोड़नी है। राहुल गांधी रायबरेली छोड़ेंगे या फिर वायनाड, इसके संकेत आज केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुधाकरण ने दे दिए। सुधाकरण ने क्या कहा सुनवाते हैं आपको। അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദുഃഖിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മൾ മനസ്സിൽ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇന്ത്യയെ നയിക്കേണ്ടുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വയനാട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതെല്ലാ ആളുകളും മനസ്സിലാക്കുക, അത് ഉൾക്കൊള്ളുക. പ്രിയപ്പെട്ട രാഹുൽജിക്ക് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുക. ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റിക്സിൽ ഒരു അനശ്വര നേതാവായി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉയരാൻ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പിറകിൽ ഞാനും നിങ്ങളും പിന്തുണയുമായി പോകണമെന്ന് മാത്രം। राहुल गौतम हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल गांधी तो फुल फॉर्म में हैं, लेकिन कब तक इस बारे में निर्णय ले लिया जाएगा कि वो रायबरेली या फिर वायनाड किस सीट से बने रहेंगे सांसद और किस सीट को छोड़ने वाले हैं और वहां से कौन होगा उम्मीदवार? देखिए अगले कुछ दिनों के अंदर तस्वीर साफ हो जाएगी। जो कांग्रेस सूत्रों का साफ तौर पर कहना है कि दीवार पर साफ तौर पर लिखा हुआ है इबारत कि राहुल गांधी रायबरेली को चुनेंगे, वायनाड को छोड़ेंगे। इसके पीछे वो कई सारे तर्क गिनाते हैं जो दर्शाते हैं कि राहुल गांधी रायबरेली को रिटेन करेंगे। आपको ध्यान होगा कि जब सोनिया गांधी राज्यसभा गई थी, उन्होंने रायबरेली से इस्तीफा दिया था, उस समय उन्होंने एक पत्र लिखा था रायबरेली जनता को जिनमें उन्होंने कहा था कि इस सीट से कांग्रेस गांधी परिवार का पारिवारिक जो रिश्ता है वो बना रहेगा। इसके अलावा उन्होंने मंच से ये कहा था कि रायबरेली की जनता को कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी अपने लोगों के बीच में ये कह चुके हैं कि जहां से मुझे ज्यादा वोटों से जीत मिलेगी मैं उस सीट को रिटेन करूंगा। 3,64,000 से जीत हुई है वायनाड से और रायबरेली 3,90,000 वोटों से। तो कुल मिलाकर आप ये मान के चलिए कि ये तय है कि राहुल गांधी रायबरेली को चुनेंगे। उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी को राजनीति करनी है, दक्षिण भारत में वो ऑलरेडी स्ट्रांग है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट्स मिलती रही हैं, जिससे जो सरकार बनाने में उनको आसानी होती है। ऐसे में ये मान के चलिए कि तय है कि राहुल गांधी रायबरेली रखेंगे। उसके पीछे ये भी तर्क दिया जा रहा है कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जो उसका आंकड़ा है आने वाले दिनों के अंदर वो उत्तर प्रदेश में बेहतर हो, ताकि आने वाले समय के अंदर जो टैली है लोकसभा की वो बढ़ सके। इसको लेकर आधिकारिक घोषणा कहा जा रहा है अगले कुछ दिनों में की जा सकती है। ये मैसेज भी देगी कांग्रेस पार्टी इस घोषणा के साथ में कि राहुल गांधी अब दक्षिण भारत के अलावा उत्तर भारत में भी अब एक्सेप्टेबल कर लिए गए हैं उनको। ठीक है, बहुत धन्यवाद राहुल गौतम इस पूरी जानकारी के लिए। तो कांग्रेस पार्टी क्या संदेश देगी, रायबरेली सीट रखेंगे या फिर वायनाड? राहुल गांधी इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर।